एक बार फिर से खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला। पिछले मुकाबले में मिली हार के बाद बदल गई है चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। इन दो नए खिलाड़ियों को मिल सकता है प्लेइंग 11 में मौका। बताएंगे क्या होगी चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप आईपीएल 2024 और क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेला जाएगा। आपको बता दें चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला 23 अप्रैल को खेला जाना है। ये मुकाबला एम एच चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा। आपको बता दें इससे पहले भी दोनों ही टीमों के बीच मुकाबला खेला गया था, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को मात दी थी। पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 176 रन बनाए थे। हालांकि ये लक्ष्य लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने छोटा साबित हुआ। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने इस लक्ष्य को मात्र 19 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने सीजन में कुल 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है तो वहीं सिर्फ 3 ही मुकाबलों में हार मिली है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस समय मजबूत स्थिति में मौजूद है। पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स तीसरे स्थान पर मौजूद है। अगर आने वाले मुकाबलों में चेन्नई की टीम अच्छा प्रदर्शन करती है तो प्लेऑफ में अपनी जगह बना सकती है। अगर हम लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो लखनऊ की टीम ने भी इस सीजन में कुल 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 मुकाबलों में जीत तो वहीं 3 मुकाबलों में हार मिली है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस समय पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर मौजूद है। पिछले मुकाबले में भले ही लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन जबरदस्त रहा हो, लेकिन क्योंकि ये मुकाबला एम एच चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा, इस वजह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस मुकाबले में भारी पड़ सकती है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में हमें कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अभी तक समीर रिजवी को मौका मिला है, लेकिन समीर रिजवी कुछ खास नहीं कर पाए हैं। लखनऊ के खिलाफ होने वाले अगले मुकाबले में समीर रिजवी की जगह बतौर इंपैक्ट प्लेयर शेख रसीद को मौका मिल सकता है। दूसरी तरफ प्लेइंग 11 में राजवर्धन हंगरगेकर को मौका मिल सकता है। राजवर्धन को इस सीजन में एक भी मुकाबला खेलने के लिए नहीं मिला है। राजवर्धन को तुषार देशपांडे की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। हालांकि प्लेइंग 11 में हमें बस यही दो बदलाव देखने को मिलेंगे, बाकी के खिलाड़ी वही होंगे जो पिछले मुकाबले में खेले थे। अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, दीपक चाहर, मथीसा पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान और राजवर्धन हंगरगेकर को मौका मिल सकता है। आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम वापसी करते हुए इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को मात दे पाएगी या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।